चला तनिया और रगड़ रगड़ के नहुआ वा। अरे देवर जी का भाजी भैया के बड़ा रगड़ रगड़ के नहावा बतारू है काहे आज तक तू हो देवरानी जी के देखे जाता रा चिंता मत करी जब वो आई ना ऐसा ही दौरा के रगड़ रगड़ के नहवाई ये नहीं रहू जा तू हो जल्दी तैयार हो जा जा हाँ भैया चलो आई हो दादा कहो चाचा जब सब लोग लड़की देखे जाले तब क्रीम और पाउडर लगा के जाले तू इसे गोबर लगा के जाइबा तो चाची ना आई बेटा जब तोर चाची आई तो तू देखते रह जे भैया कहाँ भैया तू ऐसे ही देर करबा तो न पप्पू के चाची मिलिए न हमरा के भौजी अरे बहनी तू चिंता मत कर गोबर पे गिरल बानी जतरा सुबह रे पप्पू चल लागत आज सपना की रानी मिली चल बेटा और सुना लड़की वालन के सामने ढेर हसिया मत ठीक ना? ना और बेर बेर मुंह भी मत खोलिया ना मुंह खोलो हे माई एक बात बता पूछा ई लड़किया वैसने वही का जैसन हम सोचीला देख ले तो नहीं की लेकिन वैसने हुई जैसन तू सोचीला तब हमके आशीर्वाद दे माई अब ब्याह के तैयारी कर देखी है तो निरहु ससुरारी हिला के आई है धार तेज बा न बहुत तेज बा बबुल भैया अरे यह बात तो ते पिछला बेर भी कहले रहले लेकिन वो तलवार से एगो मुर्गियो ना कटाइल चिंता मत करी यह बार बरगद भी कट जाई पक्का गारंटी आज माँ के देख ली जरूर सही कहले अरे तलवार में बहुत धार बा है चल ठीक है जो डॉक्टर के दिखा लिए पट्टी उट्टी हो जाए वो लड़किया इनकर का लगे बाबूजी साली लगेली सपना देखनी सीरी देवी के और लगा तो बिया हो फूलन देवी से चुप का हो बबलू अरे गोड़ लगा था नहीं चच्चा अरे खुश रहा खुश का हो नहीं रहू अरे आवा लोगों नावा आवा बैठा बैठी अरे तू बैठा ना बैठी ये हमार ससुर बाड़ा चचा अच्छा अच्छा, अच्छा जोखू यादव ये नहीं का बिटिया बा हमार साली लागी अच्छा अच्छा ये हमार बड़ लड़का लाखन स्कूल में मास्टर बरन ये हमार छोट लड़का बेचन स्कूल में चपरासी बा और हमार नन्हा मुन्ना पोता इन करे लड़का बा ब्याह हमरा ने रहू के करे के बा अरे ब्याह का का चचा एकदम एक नंबर लड़की बिया निरहू के देखते पसंद आ जाए चाची ना इत हमार माई के माई लगातारी तो कढ़ाइयो से भी करिया लागतिया सेहत से त लगा ताकि खाए के बड़ा शौकीन बाड़ी हाँ रख दा रख का चच्चा कैसा लागल लड़की निरहु बेटा कैसा लागल लड़की बहुत बढ़िया बा बढ़िया बा हाँ बहुत बढ़िया बा तोहरा के वही लड़की में कौनो खोट ना दिखाई देहलास खोट कैसन खोट इतना सुंदर तो रहे लड़की सुंदर रहे हाँ का न लाखन भैया दुनिया के हर लड़की सुंदर होली काहे कि हर लड़की एक दिन माई बनेली और माई से सुंदर है दुनिया में के हो सके अरे का बात बा कितना बढ़िया विचार बा निरहु का ये चच्चा है शादी पक्का समझी ना अरे हमारा तरफ से बिल्कुल पक्का का पक्का बा हम शादी ना करब निरहु एक बात समझ ले हमरा के ना सुने का आदत नहीं खे अरे आप तो गुस्सा होगे नी आपके साली में कोनो कमी नहीं खे सुनी ना उका ना कि हम भी आकर अब अपने सपना के रानी से और ही हमरे सपना के रानी नहीं खे अरे ढेर नौटंकी मत कर नहीं तो सारे शादी से पहले ही सरात कर दे तोर अब देखा हद पार मत कर ना तो अपने दरवाजा पे पिटाइबा गांव भर थूकी मर दबा जाए दा बबलू इस साला सपना के रानी के चक्कर में पागल हो गई बा अरे ते पगलेट के कौनो पगलिया मिली है चच्चा सपना के रानी ना और मिल गई तब ते बाबू अगर मिल गई ना तो पूरा गांव में साला आधा मोज कटवा के घूम हाँ तो तू घूमने खातिर तैयार रह कहे कि हम तो अपन सपना के रानी लिया के रह नाव निरहुआ
सपना सलमान खान की पगले साला। अरे का भेल रउवा लोग के लेके पसंद आ गेल। अरे का पसंद आई बाबा जी का बेल। बाप के नाम सागपत और बेटा के नाम परोरदास। आज झगड़ा होके से बचल है एकरा सपना के रानी के चक्कर में। हाँ तो का करी हम केहू के अपना गला के घंटी बना के बांध ली। एक बात जान ले लो हम भी आज तबे करब जब हमारा सपना के रानी मिली। अरे तई तो हमरा समझे में नहीं आवत कि तोर सपना की रानी होई कैसे। अरे ऐश्वर्या राय जैसन होई माई। ना ऐश्वर्या राय जैसन ना। तो करीना कपूर जैसन होई। ना करीना कपूर जैसन भी ना। अरे तो कैसन होई बतावा ना। तो सुन माई वैसन होई है ना कि जब वो पांव में पायल पहन के हिरनी मतिन चली है तो हमारे करेजा का तार जन जन आ जाए। वैसन पवित्र हुई है ऐसन पवित्र हुई है ऐसन पवित्र हुई है बाबूजी कि वो पानी बिछ हुई है ना तो गंगा जल बन जाए। और जब वो बोली है तो लागी की कोयल कुहकती यू रास्कल। ठीक कहत रहे बबलू यादव कि तोहरा ई जन्म में सपना के रानी ना मिल सकेली। एक बात कान खोल के सुन ले तोहार शादी होई हमरा पसंद के लड़की से होई। अगर तू ना कहले तो हम तोहार दोनों टांग तोड़ दे। अपने पसंद से करे के बात अपने कल हम कली। का चाचा परेशान लगातारा। परेशान नहीं खीरे सोचा था नहीं कि हमार सपना के रानी मिली कहाँ। हमके लगा था कि तुहार सपना के रानी मुंबई में मिली। मुंबई में मिली ऐसन काहे लगा था रे। मुंबई के तो सपना के नगरी कहल जाला तो सपना के नगरी में सपना के रानी ना मिली तो कहाँ मिली। सही कहता रे यार हमरो के लगा था कि अब हमार सपना के रानी मुंबई में मिली। ए लाखन। हाँ बाबूजी। निरहुआ के बुला लिया ट्रैक्टर निकाले के बा। हाँ चाचा घर में नहीं खे। कहाँ चल गए ले रे। मुंबई। कहाँ मजाक कर रहा था रे। मजाक ना बाबा चाचा सही में मुंबई चल गए ले अपना सपना के रानी खोजे खाते। कहाँ बेटाए समय से पहले भाग से ज्यादा कुछ ना मिल।
एकदम सही जगह आइल बाड़ा बेटा नी रहो। अरे नालायक, बिना बतौले तू बंबई निकल गई ले। अच्छा, जैसे बतौती तो तू आवे देता। एक बात कान खोल के सुन ले, जल्दी से जल्दी घर वापस आ जा, ना तो सही ना हो कि। अच्छा तो सही गलत छोड़ी पप्पूआ के फोन दी। ए पप्पू। हाँ बाबा। हेले आवा, इले तोहर चाचा के फोन बा। हाँ चाचा, कैसन बा मुंबई? अरे एकदम सही रे, भरमार लगल बा यहाँ। लेकिन एक के बात के डर बा बेटा, अब पता न कबले यहाँ ठोकर खाए के पड़ी। डरे के जरूरत नहीं खे चाचा, मुंबई में ठोकर खाए वाला ही ठाकुर बनेला। अरे पपुआ, लागत मिल गई रे। का चाचा? अरे हमारा सपना के रानी रख बेटा। ओए इधर आओ। अरे तुम ही से कह रही हूँ, इधर आओ। देख क्या रहे, उठाओ। उठाई हम? हाँ तो और कौन, जल्दी उठाओ। क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? ओह गॉड, मुझे नहीं उस बोनेट को उठाना है, स्टूपिड, नीचे उतारो मुझे। ओह शिट, ब्लडी इडियट। नाउ व्हाट आर यू लुकिंग एट मी फॉर, गेट लॉस्ट। अंग्रेजी बोल लेती है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। इडियट। या शेर चपले हवा तो चपले रहा खू। जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। Are you crazy? देहाती गवार कहीं का। जिया शेर खूब चपला है। हाँ हो, चपनी तो ऐसे झेड़ ले, बाकी तबो गवार कलसिया। गवार तोरे अंग्रेजिया पना, ई तोरे डरेसवा पर कलसिया। अच्छा? हाँ, ई डिजाइनर कपड़ा पहिरा वाली है स्कूल मर्दवा, ई गमछा वालन के बेकूफ समझेली सा। गमछा वालन के बेकूफ समझेली सा? हाँ। हाँ तो तू देखा कि कैसे ही गमछा इनका डिजाइनर कपड़ा के चांपेला। जिया भोजपुरिया जवान चांपा।
आने चल बेटा, वहाँ तू सब बताएगा कि तूने और कितने मर्डर किए। ले चलो इसे। अरे अरे इंस्पेक्टर साहब, हमारी बात सुनिए। बाप रे, जोना के हम अपना जिला जवार का आदमी समझ के रखली घर में, उस सरवा चड्ढी गैंग का आदमी निकला। गोल लगाता नहीं चचा। खुश रहा बबलू, का खबर बा? बधाई देवे आइल बानी। बधाई? अरे राउर बेटा, निरहुआ तो टीवी पे छा गइल बा। निरहुआ टीवी पे छा गइल बा? हां, ओ दिने हमरा घर पे आके हमार बेस्ती कैलस और जवन कांडू मुंबई में कैले बाना मन तक करा तो ओइजा जाके सारे के तेज जूता लगाएंगे। जवान संभाल के बात कर, न तो ये पूर हड्डी में अब अहियो इतना ताकत बा कि तोहरे जैसा जवान के माटी चटा सकीला। अरे तो बचा के रखा चचा ताकत, जब जमीन के पेपर पे दस्तखत करे के पड़ी ना बेचे खातिर, तब कामे आई। का है तोरा बहिन के दहेजे में घटल बा का? ना, तोरा बेटा के बचावे में खर्चा करे के पड़ी। एक दूगो ना है चचा, 11 कितना 11 को मर्डर कैले बाद में रहुआ मुंबई में। खाओ अटक गेल सास ने टाइम में, बड़ा घमंड रहे बेटे वहां पे। अरे अगर हमरा बाती पे विश्वास नहीं के ना, तो जाके देख ला टीवी पे। चड्डी पहनकर पत्थर से सर कुचलने वाला चड्डी गैंग का कुख्यात हत्यारा गिरफ्तार। इस हत्यारे ने एक दो नहीं पूरे 11 मासूम लोगों का कत्ल किया है। इस साइको किलर का नाम है निरहो। बताया जा रहा है कि ये साइको किलर यूपी के गाजीपुर इलाके का निवासी है। हम केहू के खून नहीं की गई, अरे हम तो खाली पत्थर हटावत रही, मार के भागे वाला मार के भाग गए और ये लोग हमके पकड़ ले। ससुरा सपना की रानी के चक्कर में पगला गए भाई। चुप रही, हमार बेटा ऐसा कर ही नहीं कह सकत, कभी नहीं कर सकत, ये झूठा। ये सच है मिलोन, इसी खतरनाक मुजरिम ने 11 लोगों की निर्मम हत्या की है और अब ये रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ है। 4 दिसंबर को मोहनलाल नाम के जिस व्यक्ति की इसने पत्थर मारकर हत्या की, उसके एक नहीं कई चश्मदीद गवाह हैं। चड्डी पहनकर लोगों का कत्ल करने वाला ये शख्स उसी चड्डी गैंग का आदमी है। मौका वारदात पर इसे उसी चड्डी में गिरफ्तार किया गया है। हमरा तो समझे में नहीं आवत कि हमरा चड्डी में ऐसा का बा जोन रो हमरा चड्डी के पीछे पड़ल बानी। अगर हम चड्डी ना पहनती तो हम बच जाती। ऑर्डर ऑर्डर। देखा जज साहब, कितना बदतमीज पागल और सनकी मुजरिम है। अरे हम कितना बार कही कि हम मुजरिम नहीं की, और रहल बात चड्डी के, तो जज साहब हम तो चड्डी बचपने से पहनी ले। अच्छा आप बताए, का आप चड्डी ना पहने? नी हाँ पहनता हूँ। अच्छा वकील साहब आप बताए, का आप चड्डी नहीं की पहन ले? गीली थी आज, नहीं पहनी। अरे आपसे तो बातें कर बेकार बा। अच्छा आप लोग बताइए, आप लोग चड्डी पहने नहीं कि ना? जज साहब चड्डी तो हमहू पहनी ला, ए बता ना। हाँ हाँ जज साहब, चड्डी तो हमहू पहन ले बानी। देखी जज साहब, ये सब लोग चड्डी पहने ला, तो एक मतलब का सब लोग चड्डी के आदमी बा? मिलोन, ये आदमी अपनी बातों से अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, जबकि इसके खिलाफ पुख्ता सबूत है। कई लोगों ने इसे अपनी आंखों से कत्ल करते हुए देखा है। मैं उन्हें अदालत के सामने पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है जज साहब? यह है वो आदमी कत्ल कर जिसे अपने आंख से हम देख ले बानी। यही है वो आदमी जिसे मैंने कत्ल करते हुए देखा है सर। जज साहब मैं माता डोरिया निपाला याद मानसानी खून के लाए। 20 फरवरी, 28 मार्च, 12 अप्रैल। वकील साहब आज फैसला हो जाए? अरे हाँ हाँ फैसला हो जाएगा, जाके बैठो, जज साहब फैसला सुना देंगे। दोनों पक्षों की दलीलों और गवाहों के बयानात तथा अदालत में पेश किए गए सबूतों के आधार पर यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम निरहु कुमार यादव वल्द विशंबर यादव ग्राम टड़वा जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश का निवासी है। इसी ने 11 आदमियों का बेरहमी से कत्ल किया है।
लिहाजा ये अदालत मुजरिम निरहु कुमार यादव को इंडियन पीनल कोड के दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाती है। टू बी हैंग टिल डेथ। साहेब, हमार बेटा खुनी रखे, हमार बेटा खुनी रखे, हमार बेटा ये दोस्त है। बाजी हम बाजी बाजी हमार बात कर रहे हैं, बाजी हमार बात कर रही है, बाजी हमार बात कर रही है, हम खून नहीं के लिए बाजी कर रहे हैं, बाजी हमार बात कर रहे हैं, बाजी हमार बात कर रहे हैं, बाजी हमार बात कर रहे हैं, बाजी हमार आ गई बेटी। पापा, आप अभी तक सोए नहीं? जिसकी जवान बेटी इतनी रात को वो भी लड़खड़ाते हुए घर आए, उस बाप को नींद कैसे आएगी बेटा? डोंट वरी डैडी, आपकी बेटी के पांव इतने मजबूत है कि लड़खड़ा तो सकते हैं लेकिन कभी गिरेंगे नहीं। बेटी, अपने इस बीमार बाप पे थोड़ा रहम कर, शादी करके अपना घर बसा ले ताकि मैं चैन से मर तो सकूं। मैं शादी क्यों करूं? किस चीज की कमी है मेरे पास? मेरे पास जीने के लिए आपके करोड़ों की दौलत ही काफी है। मेरी बात से अगर इनकार करोगी तो तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। आप समझते क्यों नहीं है डैडी, रोज रोज बस एक ही जिद, शादी कर लो शादी कर लो। क्यों करूं मैं शादी? किसी मर्द के पैर की जूती भरने के लिए, उसका खाना बनाने के लिए, उसके बच्चे पैदा करने के लिए? आई एम सॉरी डैडी, मुझसे किसी की गुलामी नहीं होगी। मुझे नफरत है शादी के सिस्टम से। ये सिस्टम नहीं है, ये तो प्रकृति का नियम है, क्योंकि एक औरत की जिंदगी तब तक सार्थक नहीं होती है जब तक कि वो मां नहीं बन जाती। और ये तुम्हारे शराबी कबाबी दोस्त जिन पर तुम पैसे लुटाती हो, वो तुम्हारे दोस्त नहीं है बेटा, तुम्हारे पैसों पर अय्याशी करने वाले चमचे हैं। मेरी एक बात याद रखना बेटा कि जिंदगी में एक अच्छे पति से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता। मैंने कह दिया ना, इस जन्म में तो मैं शादी नहीं करूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। गुड नाइट। गोविंद जी। भैया, आखिर कब मेरी बात मानेगी? आप चिंता मत करो भैया, सब ठीक हो जाएगा। हाय जानेमान। हाय सोना। हाय। लुकिंग हॉट बैब। बहुत बिगड़ गए हो टोनी। ये जवानी देखकर जिसकी नीयत ना बिगड़े वो भी साला कोई मर्द है। Wait, I'm coming. क्या हस्ती है साली? हस्ती है, लेकिन तुमसे फस्ती नहीं है टोनी। उन्ने, ये मामूली चिड़िया नहीं है, करोड़पति बाप की सोने की चिड़िया है। थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन टोनी के जाल से बच नहीं सकती। और एक बार मेरे शिकंजे में आई ना, फिर देखना कैसे इसकी दौलत पर कुंडली मार के बैठता हूँ। Come on, darling. टोनी, तुम्हारी यही हरकतें मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। सोना, सोना, सोना माय स्वीट हार्ट, तुम तो जानती हो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, फिर तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? तुम क्यों नहीं समझते कि मैं शादी करना ही नहीं चाहती हूँ और तुम सिर्फ मेरे अच्छे दोस्तों से ज्यादा कुछ नहीं समझे? मैडम, आपके पापा को हार्ट अटैक आ गया। ओह गॉड, अब वो कैसे? अब वो नहीं रहे। I'm so sorry, Papa. मैं आपकी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाई। I'm sorry.
अरेंज फूड एंड ड्रिंक्स फॉर मोर देन 40 पीपल, ठीक है? और खाना अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल कमी नहीं है। आई एम सॉरी। हाय चाचा जी। हाय बेटा जी। क्या चाचा जी, आपको आजकल कुछ याद ही नहीं रहता? क्या बेटा जी, आज मेरा बर्थडे है। ओह आई एम सॉरी, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू, लेकिन सिर्फ हैप्पी बर्थडे से काम नहीं चलेगा, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, आज पार्टी करनी है। सॉरी बेटा जी, जब तक तुम शादी नहीं कर लेती मैं तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दे सकता। मजाक मत कीजिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बेटा जी। मरने से पहले तुम्हारे पिताजी ने एक वसीयत की थी, उसमें लिखा है जब तक तुम शादी नहीं कर लेती उनकी प्रॉपर्टी में से तुम्हें एक भी पैसा न दिया जाए। आई डोंट बिलीव दिस, डैडी ऐसा कर ही नहीं सकते। ये रही तुम्हारे पिताजी के वसीयत की कॉपी। मैं इस वसीयत को नहीं मानती। इसे फाड़ने से क्या होगा बेटा जी, असली वसीयत नामा तो हमारे वकील के पास है। बाय। चाचा जी, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे पैसे चाहिए। बेटा जी मैं मजबूर हूँ, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। अगर आप मेरे चाचा नहीं होते ना तो अभी क्या, अभी आपको धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती। भैया को मरते वक्त अगर मैंने वादा नहीं किया होता ना कि सारी जिंदगी मैं तुम्हारी देख रेख करूँगा तो मैं भी इस पैसे को लात मार के चला जाता। हेलो सोना, पार्टी कहाँ है? अरे भाड़ में गई तेरी पार्टी। एक खतरनाक हत्यारा जिसने बड़ी बेरहमी से लोगों का कत्ल किया है, अब वो मरने से पहले शादी करना चाहता है। निरहु कुमार यादव, जिसे 11 लोगों का कत्ल करने के इल्जाम में फांसी की सजा सुनाई गई है। क्या आप लोग जानते हैं कि उसका सपना क्या है? उसका सपना है शादी करना। ना वो हम शादी के सपना लेके सपना की नगरी में आयल रानी, शादी तो भइल ना और हम पहुंच गए नहीं जेल में। अब भैया हमार सपना तो सपने रह गए। इस आदमी को कहीं देखा है लेकिन कहां? हाँ, एबीसीडी वाला। नमस्ते साहब। तुम जानना चाहते थे ना कि कौन सी लड़की है जो तुमसे शादी करना चाहती है? हाँ। ये है वो लड़की। तू है? तुम इसे जानते हो? अरे साहब बहुत चालू लड़की भी आई और घमंड इतना कि एकर माई बाप एकरा के कुछ सिखौल नहीं के। इसका मतलब तुम इससे शादी नहीं करोगे? पहले एगो बात बतावा, तू हमारा से कहे शादी कर जाता रू? अरे मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अच्छा, वो दिनवा जब गोदी में उठेले रहनी तो गधा लगत रहनी और अब फांसी पे लटके वाला बानी तो सलमान खान बुझाता नहीं। अरे तुमने कारनामा ही ऐसा किया कि सारी दुनिया में तुम्हारा नाम हो गया। अब सोचो अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगी तो मेरा भी कितना नाम हो जाएगा, है ना? नाम कुछ ना हो, ब्याह होते तू राण हो जेबू। राण? व्हाट? अरे मतलब विधवा हो जेबू। अरे वही तो मैं होना चाहती हूँ। देखा था निजाबे कर, लेकिन कुल सुहागिन उखल चाहनी और राण उखल चाहती है। अब मेरा मतलब किसी नामर्द की सुहागन होने से अच्छा है किसी मर्द की विधवा बन के जीऊं, है ना? दरअसल जोना कारनामा खातिर तू हमारा मोहरत बुझा तारू वो हम कहले ही नहीं की, उस साला कौन और कहले बा। लेकिन वैसे अगर पहला मुलाकात में तू हमारा दिल के आवाज सुन ले रहतू तब ले तो तू हमारा लड़का के मोई बन गेल रहतू। पहले ये बोलो तुम इससे शादी करोगे या नहीं? साहब सुन ले मानी कि शादी के लड्डू जे खाला वो पछताला आ जे ना खाला वो पछताला, हम लड्डू खा के पछताए चाहता नहीं, हमारा के शादी मंजूर बा। यस,